आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं कच्चे पपीते से बर्फी बनाऊंगी। तो मैं पहले इसकी रेसिपी आपको दिखा देती हूँ। मैं एक पपीता ली हूँ कच्चा, और मुझे चाहिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, चीनी थोड़ा सा लगेगा, एक कटोरी दूध, एक ही कटोरी मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, और हमें 2 चम्मच घी लगेगा। तो मैं इतना बड़ा पपीते से नहीं बना रही हूँ, मैं हाफ पपीता ली हूँ, और इसको मैं पहले छिलका उतार के और बीज से बीज भी निकाल के उसको भी अच्छी तरह साफ कर ली, और फिर धो लो। उसके बाद कद्दूकस कर लो। कद्दूकस करने के बाद फिर अब हम हलवा बनाने के लिए चल रहे हैं। सब कुछ हमारा तैयार है। अब मैं अपना इंडक्शन ऑन करती हूँ और इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। घी हमारा पिघल जाए फिर मैं कद्दूकस किया हुआ पपीता डाल रही हूँ। घी हमारा पिघल चुका है। अब इसी समय मैं पपीते को डाल देती हूँ। इसे थोड़ी देर हमें ऐसे घी के साथ फ्राई करना है। हमारा थोड़ा सा पपीता जैसे हल्का सा पकने के लिए तैयार होता है उस टाइप हो गया है। अगर आप फुल कच्चा एकदम लेंगे उसका भी और इसी तरह बर्फी बनके तैयार होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं चीनी कम लगेगा क्योंकि हल्का सा पक्का हो गया है। घी में हमें मैं एक चीज बताना भूल गई, मैं इसे इसी कटोरी जो मैं चीनी रखी हूँ इसी से 2.5 कटोरी कद्दूकस किया हुआ पपीता ली हूँ, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, और मीठा आप अपने अनुसार टेस्ट के अनुसार डालिए। और मुझे थोड़ी देर हो गया भूनते हुए। हाँ, अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हो तो आप मिक्सी में इसको रुक रुक के चलाते हुए पीस के भी बर्फी बना सकते हैं, उससे भी अच्छी बर्फी बन के तैयार होगी। और मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर पपीते की बर्फी बना के खाइए, स्वादिष्ट भी होता है, हेल्दी भी होता है। अब मैं भून चुकी हूँ, अब इसमें मैं दूध भी डाल देती हूँ। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध को पहले चाहे 1/2 किलो हो या 1 किलो उसको अच्छे से गाढ़ा कर लीजिए, फिर उसमें आप पपीते को घी में फ्राई करके तब पकाइए, तब भी बर्फी आपका बहुत लाजवाब बनेगा। चाहे हमारी तरह बनाइए और चाहे दूध में ही बनाइए केवल, वो भी अच्छा बनेगा। अब इसी समय मैं चीनी भी डाल दूंगी क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो चीनी और दूध से हमारा ये पपीता गल के अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसे मैं ढक के बीच में चलाते हुए पकाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं 2-3 बार चला चुकी हूँ। हमारा अभी सूखा नहीं है पूरी तरह। अब मैं इसी समय थोड़ा सा घर की मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बर्फी तब भी बनेगा अगर हो तो 2-4 चम्मच डाल देंगे तो एकदम मावा जैसे ये आपकी बर्फी तैयार होगी। मेरे ये मलाई कैसे बनती है, जो आप दूध गर्माते हो और ओवरनाइट फ्रिज में रख देते हैं हम लोग,
उसी का ऊपर की मलाई उतार के आप एक दो दिन का रख लीजिए, बस वही मलाई मैं डाल रही हूँ। अब इसको मैं खुले में ऐसे पकाते हुए सुखाऊंगी। अब मैं सुखाते हुए हमारा इतना फूट चुका है। अब इसी समय आपको अपना गैस या इंजेक्शन हो धीमा कर लीजिए और मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए ताकि गांठे ना पड़े। थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे धीमी आंच पे। इसको धीरे धीरे मिलाएंगे तो गांठे भी नहीं बनेंगी। टेंशन नहीं लेना है, अगर गांठे पड़ भी जाती हैं फिर बाद में हम इसको और टाइट बनाएंगे सुखाते हुए, तो जो गांठे रहेंगी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अभी हम इसको ऐसे चलाते हुए खुले में थोड़ा सा और आंच को बढ़ा के और मैं जमने तक के लिए पकाऊंगी। अब हमारी बर्फी बनके तैयार हो गई है एकदम जमने के लिए। बस इसी तरह आपको सुखाना है। अब ये अच्छी तरह से जमने के लिए तैयार है। इसको आप लास्ट में क्या करना है, गैस को तेज करके फिर अच्छे से इसको चलाते रहिए जब तक जमने के लायक ना हो जाए। अब हमारी बर्फी अच्छे से लग रही है, जम जाएगी। क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा मैं गैस धीमा कर दी थी अपना इंडक्शन, और देखिए एकदम ये इकट्ठा हो रहा है। यही है कि बर्फी हमारी बनके तैयार हो गई है। ऐसे खूब तेज चलाना है, हाथ नहीं रोकना है। तो इसकी जो चीनी की लस्सी होती है वो भी टूट जाती है और हमारी बर्फी बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होगी। अच्छा सा हमारा पैन भी छोड़ने लगा है। अब मैं अपना इंडक्शन बंद कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दूंगी और चलाती रहूंगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, नहीं तो नीचे थोड़ा पकड़ने का चांस रहेगा। फिर मैं जमाती हूँ। तो अब हमारा ये थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। अब मैं इसको साइड करती हूँ और एक ट्रे लेती हूँ। ट्रे में मैं पहले से घी लगा के रखती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, मैं सीधे ट्रे में जमा रही हूँ इसको। आप जितना मोटा पतला जमाना चाहते हो उतना मोटा पतला आप फैला सकते हैं। और अब इसी वक्त मैं ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास चादी वर्क हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, इस पे खूब अच्छा लगेगा। वैसे ड्राई फ्रूट हेल्दी भी होता है, और चादी का वर्क अगर असली नहीं है तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादातर आप लोगों को बताऊंगी कि आप जो है ड्राई फ्रूट ही ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये सेहत के लिए भी ठीक रहता है और अच्छी भी लगती है ये भी देखने से। और एक चम्मच ले लीजिए आप, इसी से ऐसे दबा दीजिए। अगर आपको जल्दी हो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं जमने के लिए, और नहीं तो आप बाहर ही रहने दीजिए और इसको आराम से जमने दीजिए। फिर मैं जम जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ और काट के दिखाऊंगी। हमारी बर्फी जम के तैयार हो गई है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। आप इसे किसी भी आकार में काट सकते हैं। मैं इसी तरह काट के फिर आपको दिखाती हूँ। मैं अपनी बर्फी को काट ली हूँ और थोड़ा सा इसे मैं रोज के पंखुड़ी से इसको सजा दी हूँ।
और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार जरूर पपीते की बर्फी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।